हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो आई अभ कुमार गोइंग टू सॉल्व एन सी आर टी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स 11.11 पॉइंट वन वन टू 11.14 पॉइंट वन फोर ऑफ चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर फॉर क्लास ट्वेल्व फिजिक्स बुक नंबर टू इस वीडियो में एन सी आर टी टेक्स्ट बुक क्लास ट्वेल्व फिजिक्स बुक टू चैप्टर एलेवन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का प्रॉब्लम्स एलेवन पॉइंट वन वन से एलेवन पॉइंट वन फोर तक का सॉल्यूशन किया जाएगा जो कि न केवल सी बी एस ई क्लास ट्वेल्व फिजिक्स टर्म टू एग्जामिनेशंस तथा ट्वेल्फ डिफरेंट स्टेट्स बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट्स के लिए इसके अलावा नीट मेडिकल की तैयारी तथा जे ई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा क्योंकि नीट तथा आईआईटी जेई में भी इस ढंग के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं तो so, शुरू किया जाए सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर एलेवेन पॉइंट एलेवेन एन सी आर टी बुक बुक नंबर टू चैप्टर 11 विच इज लाइट ऑफ वेवलेंथ फोर एटी एट नाइनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्गन लेजर विच इज़ यूज्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज इंसिडेंट ऑन द कैथोड द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो पॉइंट थ्री एट वोल्ट फाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द कैथोड इज मेड कैथोड किस मटेरियल का बना है उसका वर्क फंक्शन मालूम करना है मतलब फाइव जीरो और डब्लू जो कि वर्क फंक्शन का सिम्बॉल होता है फाइव जीरो और डब्लू उसे कैलकुलेट करना है उस मटेरियल का जिससे कि कैथोड फॉर्म हुआ है और वह कैथोड जिस पर कि फोर एटी एट नाइनोमीटर वेभलंद का लाइट इंसिडेंट कराया जाता है आपित कराया जाता है और यह लाइट प्रोड्यूस होता है किससे आर्गन लेजर से फोर एटी एट का लाइट प्रोड्यूस होता है आर्गन लेजर से और उसे जिसका यूज किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और जब कैथोड पर जब किसी डिस्चार्ज ट्यूब के कैथोड पर इस वेवलेंथ के लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है 488 नैनोमीटर का तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो से जीरो पॉइंट थ्री एट वोल्ट है स्टॉपिंग पोडेंशियल इज दैट निगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करेंट विकम जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनोड का एनोड प्लेट का डिस्चार्ज ट्यूब के एनोड प्लेट का वह निगेटिव पोटेंशियल है जिस पर कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक्सटर्नल सर्किट में जीरो हो जाता है तो फोटो इलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है जिस निगेटिव मतलब एनोड प्लेट के जिस नेगेटिव पोटेंशियल के लिए जिस नेगेटिव पोटेंशियल को के लिए फोटो करंट जीरो हो जाए उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज कहा जाता है जिसका वैल्यू दिया है बी जीरो जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट थ्री एट वोल्ट तो नाउ इन दिस प्रॉब्लम वेवलेंथ ऑफ लाइट लेमडा सिंबल ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लेमडा फोर एटी एट नाइनोमीटर और इसे कन्वर्ट कर लिया जाए मीटर में एक नाइनो इजिकल टू टेन टू पावर माइनस नाइन सो इट इज फोर एटी एट मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दावर माइनस नाइन मीटर सो वेवलेंथ ऑफ लाइट

क्योंकि हम जानते हैं आइंस्टीन आइडिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टीन आइडिया से कि एच न्यू वेन इनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज एच न्यू इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सर्फेस सम पार्ट ऑफ इट इक्वल टू वर्क फंक्शन फाइव जीरो इज यूज टू यूज टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस हे द मेटल सर्फेस इज के थोड एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज यूज बाई बाई द फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू एक्सलेट That is to acquire maximum kinetic energy half mb max square and maximum kinetic energy half MB max square is equal to a small E into V0 that is product of charge of the ejected photoelectron from the metal surface multiplied by a stopping potential. So H nu is equal to phi 0 plus half MB max square, which is equal to EV0 in terms of a stopping potential. This is the relation. So we have to find phi 0, therefore phi naught. फाइव नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस ई वी जीरो बट फ्रीक्वेंसी वाट इज न्यू न्यू क्या है इंस्डेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है जो कैठोर पर इंस्डेंट हो रहा है और चूँकि फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं है इसलिए इसे हम बेभलेंथ लेकिन वेभलेंथ मालूम है वेभलेंट दिया है प्रॉब्लम में तो फ्रीक्वेंसी को बेभलेंथ के टर में कन्वर्ट कर लिया जाए एक्सप्रेस किया जाए तो न्यू इजल टू सी वाई लेमडा सो वी कैन राइट इट एच एच सी एच इंटू सी अपॉन सी अपॉन लेमडा माइनस ई इंटू वी जीरो एच क्या है एच इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट अब समूह अब सारी चीज़ें इस जो टर्म में, इस फार्मूला में वर्क फंक्शन के लिए जो फार्मूला हो गया फाइव जीरो इजिकल टू वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एच न्यू इज फाइव जीरो इजिकल टू एच न्यू माइनस ई वी जीरो लेकिन प्रॉब्लम है चूंकि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू मालूम नहीं है नहीं दिया गया है इसीलिए इसे कन्वर्ट कर लिया गया फार्मूला से के हेल्प से न्यू इजकल टू सी वाई लेमडा सो इट इज एस सी माइनस लेमडा एस सी अपॉन लेमडा माइनस ई भी जीरो अब सारी चीज़ें जो भी इसमें मौजूद हैं जो भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं इस इक्वेशन में प्लाइन कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ लाइट सी कुम लेंडा दिया है प्रॉब्लम में भी ज़ीरो दिया है और ई चार्ज ऑन ऑन एलेक्ट्रॉन जिसे हम लोग जानते हैं तो अब इसे uh, आगे प्रोसीड किया जाए जो भी डाटा प्रोवाइडेड है इस प्रॉब्लम में उसे पुट किया जाए वर्क फंक्शन मालूम हो जाएगा सो वर् फंक्शन फाइव जीरो इक्वल्स टू एच इज द प्लाइन कॉन्स्टेंट विच इज सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दी पावर माइनस थर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 meter per second upon uh, lambda lambda is given 488 nanometer that is 488 uh, multiplied by 10 to the power minus 9 minus second term mein, minus e into v0 has second term mein is formula ke. e is the charge on an electron which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and a stopping potential v0 is 0 0.38 that is 0 0.38 now uh, some cancellation in, in the first term इन द न्यूनेटर एंड डिनोमिनेटर माइनस थर्टी फोर न्यूमिनेटर है माइनस नाइन डिनोमिनेटर है तो ये पावर माइनस नाइन से माइनस थर्टी फाइव माइनस थर्टी फोर का पावर कैंसिल हुआ कुछ और ये माइनस नाइन पावर कैंसिल हो गया माइनस थर्टी फोर का तो बचा कितना डिनोमिनेटर के टेन टू पावर माइनस नाइन से तो बचा कितना टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फाइव अब यहाँ टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फाइव और टेन टू पावर एट है टेन टू पावर एट है और यहाँ पर सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री है तो यहाँ पर भी दो प्लेस पर है तो इसके इसे इसे लिखा जा सकता है एक्सप्रेस किया जा सकता है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री को सिक्स सिक्स थ्री सिक्स थ्री सिक्स सिक्स थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस टू और यहाँ टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फाइव है तो पावर एड होकर माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस टू दट इज माइनस ट्वेंटी सेवन और माइनस ट्वेंटी सेवन और यहाँ टेन टू पावर एट है देर फोर इट इज टेन टू पावर माइनस नाइनटीन बचेगा और अब सिक्स सिक्स थ्री में सिक्स सिक्स थ्री सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री को सिक्स सिक्स थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस टू के रूप में एक्सप्रेस किया गया और थ्री थ्री हायर स्टर्ड में न्यूमरेटर मौजूद है उससे तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सिक्स सिक्स थ्री इंटू थ्री दैट इज वन नाइन दैट इज आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट वी हैव वन नाइन एट नाइन वन नाइन एट नाइन सिक्स सिक्स थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री वन नाइन एट नाइन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन अब माइनस ट्वेंटी सेव टेंटी फाइव इंटू टेन टावर माइनस टू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर प्लस एट तो प्लस एट माइनस ट्वेंटी सेवन तो टोलनेट पावर कितना हो गया टेन टू पावर माइनस नाइनटीन और सेकंड टर्म भी टेन टू पावर माइनस नाइनटीन के टर्म में है अब यहाँ पर वन पॉइंट सिक्स से मल्टीप्लाई कर लिया जाए पॉइंट थ्री एट को वन पॉइंट सिक्स में से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो पॉइंट थ्री एट को तो ये तीन प्लेस पर डिश्मल हो जाएगा ये जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स जीरो एट ये आएगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स जीरो एट मल्टीप्लाईड बाई इस टर्म में भी टेन टू पावर माइनस नाइनटीन है अब टू पावर माइनस नाइनटीन दोनों टर्म में कैंसिल हो जाएगा और जीरो पॉइंट सिक्स जीरो एट वन पॉइंट सिक्स बाई जीरो पॉइंट थ्री जीरो एट अब जीरो पॉइंट सिक्स जीरो एट को राउंड ऑफ करने पर डिसमल के दो प्लेस तक लिखा जा सकता है जीरो पॉइंट सिक्स वन सो वी कैन राइट हेयर वन नाइन एट नाइन माइनस टेन टू पावर माइनस नाइन दोनों टर्म में कैंसिल कॉमन ले लिया जाए तो वन वन नाइन एट नाइन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स जीरो एट को लिखा जा सकता है जीरो पॉइंट सिक्स वन जीरो पॉइंट वी कैन राइट इट एज जीरो पॉइंट सिक्स वन और डिनोमिनेटर में भी हर टर्म छुपा है डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में कितना है डिनोमिनेटर uh, में है uh, uh, डिनोमिनेटर में है फोर फोर uh, कितना बचा फोर एट एट यहाँ फोर एट एट से डिवाइड करना होगा फर्स्ट टर्म में तो वन नाइन एट नाइन बाई फोर एट एट बाई टेन टू पावर माइनस नाइनटीन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स जीरो एट इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन अब टेन टू पावर माइनस नाइनटीन कॉमन ले लिया जाए और डिवाइड करने के बाद यहाँ डिवाइड करना होगा किसमें इसमें वन नाइन एट नाइन में फोर एट एट से डिवाइड करेंगे हम तो क्या होगा फोर uh, टाइम्स पहले जाएगा वहाँ नाइनटीन है वन नाइन एट नाइन यहाँ फोर एट एट है तो फोर पॉइंट दिस इज़ फोर पॉइंट जीरो सिक्स नियरली फोर पॉइंट जीरो सिक्स जीरो सिक्स से थोड़ा ज़्यादा ही है जीरो सेवन फोर पॉइंट ज़ीरो सेवन मल्टीप्लाइड माइनस जीरो पॉइंट सिक्स जीरो एट को जीरो पॉइंट सिक्स वन राउंड ऑफ करने के बाद इसमल के दो प्लेस तक और मल्टीप्लाइड बाई इसको अब ब्रैकेट के अंदर रखा जाए और टू पावर माइनस 19 दोनों टर्म में मौजूद है बोर्ड टर्म्स में तो टू पावर माइनस नाइन्टीन को कॉमन कर लिया जाए अब यहाँ फोर पॉइंट जीरो सेवन है और यहाँ जीरो पॉइंट सिक्स वन है दोनों को माइनस कर लिया गया जाए तो माइनस करने पर यही रिज़ल्ट होगा तो माइनस uh, करने पर कितना हो जाएगा जीरो सेवन माइनस वन डैट इज़ सिक्स टेन माइनस सिक्स डैट इज़ फोर तो यह और ये हो जाएगा थ्री माइनस ये अच्छा फोर है तो अब थ्री बचेगा थ्री 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 पॉइंट थ्री पॉइंट फोर सिक्स दिस इज थ्री पॉइंट फोर सिक्स डिफरेंस ऑफ फोर पॉइंट ज़ीरो सेवन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स वन फोर पॉइंट ज़ीरो सेवन में से ज़ीरो पॉइंट सिक्स वन माइनस करने पर थ्री पॉइंट फोर सिक्स सेवन माइनस वन इज सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन और ये जूल हो गया ये वर्क फंक्शन का वैल्यू हो गया फाइव जीरो वर्क फंक्शन का सिंबल हम लोग यूज करते हैं फाइव जीरो या डब्लू तो ये जूल में आ गया अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन जूल देर फोर वन जूल इजकल टू देर फोर वन जूल इजकल टू वन जूल कितना हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस जूल वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा इसलिए वन जूल इजकल टू वन अपॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसमें वन पॉइंट सिक्स जिस टर्म में जूल के वर्क फंक्शन का वैल्यू जूल के टर्म में आया है थ्री पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन से डिवाइड करना पड़ेगा तो so, ये हो जाएगा थ्री पॉइंट फोर सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू दी पावर माइनस नाइनटीन अपॉन वन पॉइंट सिक्स मट्टीप्लाइड बाई टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन टेन टू पावर माइनस नाइनटीन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया वन जूल इजल टू वन अपॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब बचा क्या थ्री पॉइंट फोर सिक्स अपॉन वन पॉइंट सिक्स तो इसे लिखा जा सकता है वी कैन एक्सप्रेस इट एज वो थ्री फोर्टी सिक्स अपॉन वन सिक्सटी और वो थ्री फोर्टी सिक्स में वन सिक्सटी से डिवाइड करने पर हमारा रिजल्ट आ जा जाएगा जो कि टू पॉइंट जो कि दो टाइम्स वन सिक्सटी इंटू टू डेट इज थ्री ट्वेंटी हाँ थ्री फोर्टी सिक्स है तो दो बार जा रहा है पहली बार तो उसके बाद टू पॉइंट वन सिक्स वोल्ट इसका रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में टू पॉइंट वन सिक्स वोल्ट वर्क फंक्शन का वैल्यू फाइव जीरो का वैल्यू फाइनल रिजल्ट इज टू पॉइंट वन सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट आफ्टर डिवाइडिंग डिवाइडिंग थ्री थ्री फोर्टी सिक्स बाई वन सिक्सटी इट इज टू पॉइंट वन सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन का वैल्यू और जूल में कितना आंसर है थ्री पॉइंट फोर सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस नाइनटीन जूल नाउ वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर इलेवन पॉइंट इज कैल्कुलेट द पार्टे मोमेंटम एंड बी द्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्स एक्सलेटेड थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फिफ्टी सिक्स वोल्ट और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो सी बी एस ई टर्म टू ट्वेल्थ बोर्ड बोर्ड एग्जामिनेशंस तथा डिफरेंट ट्वेल्थ स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा नीट तथा जेई के लिए भी यह प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए इसमें डाटा जहां तक प्रोवाइड है तो एक चीज पोटेंशियल डिफरेंस ही प्रोवाइड किया गया है जो कि 56 सिक्स वोल्ट है द सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपिटल भी सिंबल तो भी फिफ्टी सिक्स वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट किया जा रहा है वह फिफ्टी सिक्स वोल्ट है तो पार्टी में मालूम करना है मोमेंटम मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलेटेड विथ थ्रू ए पोटेंशियल डिफेंस फिफ्टी सिक्स वोल्ट तो मोमेंटम के लिए फॉर्मूला है मोमेंटम ऑफ द एक्सिलेटेड इलेक्ट्रॉन मोमेंटम ऑफ द एक्सिलेटेड इलेक्ट्रॉन इज पी इजकल टू उसको मोमेंटम को पोटेंशियल uh, डिफ्रेंस के टर्म एक्सप्रेस किया जा सकता है फॉर्मूला क्या है पी इजल टू रूट अंडर टू एम ई भी पी इजक्ल टू रूट अंडर टू एम ई भी पी इज टू रूट अंडर टू एम एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास ऑफ़ एन इलेक्ट्रॉन ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड भी इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और यह रिजल्ट हम कहाँ से ऑप्टेन करते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन को भी पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सलेट किया जाए तो वॉकडन कितने के इक्वल होगा ई e इंटू भी इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करने में जो वॉकडन होगा भी पोडेंशियल डिफ्रेंस पर ई इन भी और इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा एक्सेलेट हो गए तो कैरेंटी प्रोवाइडेड प्रोवाइड होगा तो ई इन भी इज टू हाफ एम भी स्क्वायर और ई इंटू भी अगर एम से यहाँ नोमिनेटर डिमोनेटर में एम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एम स्क्र भी स्क्वायर बाई टू एम हो जाएगा और एम स्क्वायर भी स्क्वायर दट इज मोमेंटम का स्क्वायर मोमेंटम लिनियर मोमेंटम इज कल टू पी इजकल टू मास इंटू वेलोसिटी सो वी कैन राइट हाफ एम बी स्क्वायर एज पी स्क्वायर अपन टू एम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम देयर फोर पी स्क्वायर इज कल टू टू एम इंटू ई ई भी आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो पी इज कल टू रूट अंडर टू एम ई भी एंड दिस इज द रिलेशन बिट्वीन Linear momentum of the electron and the applied potential difference. V. So p is equal to root under 2meb. It is equal to. Now we have uh, uh, we have m is the mass of an electron which is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. A small e is the charge on an electron which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And b is the applied potential difference which is 56 volt. This is 56 multiplied by 56. Now we have uh, माइनस थर्टी वन माइनस नाइनटीन डैट इज माइनस फिफ्टी दोनों का दोनों का नेगेटिव पावर है टेन टू पावर माइनस थर्टी वन इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन तो टेन टू पावर माइनस फिफ्टी अब यहाँ मल्टीप्लाई हमें करना होगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टू डेट इज थ्री पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई नाइन पॉइंट वन बाई फिफ़्टी सिक्स अब इसको मल्टीप्लीस मल्टीप्लाई करने के बाद और पावर कितना है टेन टू पावर पावर है टेन टू पावर माइनस फिफ्टी तो अब अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं मल्टीप्लाई कर लिया जाए 56 सिक्स फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वन पॉइंट सिक्स इंटू टू थ्री पॉइंट टू हुआ तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं थ्री पॉइंट नाइन पॉइंट वन पहले नाइन पॉइंट वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री पॉइंट टू इट इज टू एटीन थ्री ट्वेंटी सेवन टू एट प्लस थ्री एलेवन रिमाइंडर वन सेवन प्लस वन प्लस वन दैट इज़ नाइन टू टू वन नाइन टू दैट इज टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन टू आफ्टर मल्टीप्लाइंग नाइन पॉइंट वन मल्टीप्लाइड बाई टू इंटू वन पॉइंट सिक्स डटी थ्री पॉइंट टू वी गेट ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन टू अभी एक टर्म और है उसमें फिफ्टी सिक्स तो स्क्वायर रूट के अंदर तो फिफ्टी सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया डैटी ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन टू वी कैन राइट इट इट एज ट्वेंटी पॉइंट वन टू कैन बीटेंट एज ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी सिक्स इट इज फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई कर दिया गया तो सिक्स नाइन इंटू सिक्स फिफ्टी फोर रिमाइंडर फाइव सिक्स इंटू टू ट्वेल्व प्लस फाइव सेवेंटीन फाइव इंटू वन फाइव नाइन इंटू फाइव फोर्टी फाइव रिमाइंडर फोर फाइव इंटू टू टेन प्लस फोर फोर्टीन इट इज सिक्स फाइव प्लस फोर नाइन सिक्स प्लस फाइव ट्वेल्व रिमाइंडर वन सेवन फोर प्लस वन फाइव प्लस वन सिक्स वन वन सिक्स एंड दैट इज वन पॉइंट सिक्स टू नाइन पॉइंट सिक्स तो ये रिजल्ट हमें आया मल्टीप्लिकेशन के बाद

नाउ वी कैन राइट इट as 116.296 16.296 multiplied by 10 to the power minus 48 agar मल्टीप्लाइड to टेन टू दी पावर माइनस फोर्टी एट अगर टेन टू पावर माइनस फिफ्टी माइनस फिफ्टी है इसका इसमें से 10 टू पावर माइनस टू अगर सेपरेट कर दिया जाए तो लिखा जा सकता है 10 टू पावर माइनस फिफ्टी को 10 टू पावर माइनस फोर्टी एट मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस टू तो डिसमल के दो प्लेस तक मतलब टेन टू पावर माइनस टू का मतलब है कि दो प्लेस तक डिसमल और लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा वन सिक्स टू टू नाइन पॉइंट सिक्स को लिखा जा सकता है सिक्सटीन पॉइंट टू नाइन सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस फोर्टी एट अब सिक्सटीन पॉइंट टू नाइन सिक्स क्या है नियरली इसे लिखा जा सकता है सिक्सटीन पॉइंट थ्री रूट अंडर सिक्सटीन पॉइंट थ्री विच इज रूट अंडर सिक्सटीन पॉइंट थ्री मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस फोर्टी एट का स्क्वायर रूट हो जाएगा टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर का होल स्क्वायर रूट अंडर दैट इज टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर तो टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर बाहर चला गया अब आ, अब सिक्सटीन पॉइंट थ्री का स्क्वायर रूट करेंगे सिक्सटीन रहता तो 4 हो जाता। तो यहां पर 16 है तो सीधे फोर हो जाता है तो यहाँ पर सिक्सटीन पॉइंट थ्री है तो फोर नियरली फोर पॉइंट जीरो फोर सो वी गेट फोर पॉइंट जीरो फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी फोर जो कि टेन टू पावर माइनस फोर्टी एट का स्क्वायर रूट करने पर ऑप्टेन हुआ और लिनियर मोमेंटम है लिनियर मोमेंटम का यूनिट के जी मीटर पर सेकेंड तो इट इज के जी मीटर सेकेंड माइनस वन दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम नंबर एलेवन पॉइंट वन टू चैप्टर ट्वेल्व सॉरी चैप्टर इलेवन डुएल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एन सी आर टी टेस्ट प्रॉब्लम तो पार्ट ए का आंसर हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ द एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन एच फोर पॉइंट जीरो फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन टू डी पावर माइनस ट्वेंटी फोर के जी मीटर पर सेकेंड अब इसका पार्ट बी को सॉल्व करना है पार्ट बी में क्या निकालना है डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्सलेटेड थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फिफ्टी सिक्स वोल्ट और यहाँ पर डिब्रोगली वेवलेंथ मालूम करना है एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन्स का जो कि 56 सिक्स वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा एक्सलेट किया गया है और इसको हम काफ़ी आसानी से ऑप्टेन कर सकते हैं अगर डिब्रोग्ली वेबलेंथ को पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड uh, फार्मूला में यूज किया जाए तो डिब्रोग्ली वेबलेंथ को डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लेमडाइजगल टू वन तो पॉइंट टू सॉरी uh, लेमडाइजकल टू तो डिब्रोग्ली वेबलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लेमडाइजकल टू ट्वेल्व पॉइंट टू सेवन अपॉन रूट भी एंगस्टम वन एन एस्टम इज इक्वल टू टेन टू पावर माइनस ट्वेल्व मीटर तो पार्ट बी का सॉल्यूशन के लिए डिब्रोगली वेवल्थ ऑफ द एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन लेमडाइज टू ट्वेल्व पॉइंट टू सेवन डायरेक्ट रिजल्ट है अपॉन रूट अंडर भी और इस रिजल्ट के हेल्प से डिब्रोगली मतलब इस रिजल्ट से डिब्रोगली फॉर्मूला का वेरिफिकेशन भी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस वॉज डन बाई डाइविशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट सो लेमडा इज गल टू वन पॉइंट टू सेवन सॉरी वन पॉइंट टू सॉरी ट्वेल्व पॉइंट टू सेवन अपॉन रूट भी और यह क्या है एंगस्ट्रम है डायरेक्ट टेन टू पावर माइनस टेन मीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो टेन टू पावर माइनस टेन मीटर लिखना होगा एंगस्ट्रम के रूप में एक्सप्रेस करना है तो वन पॉइंट सॉरी ट्वेल्व पॉइंट टू सेवन अपॉन रूट भी एंगस्ट्रम दिबोगली वेबल्थ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफ्रेंस डायरेक्ट रिलेशन है और काफी आसानी से केवल भी का वैलू पुट कर दिया जाए हमें रिजल्ट मालूम होगा ट्वेल्व पॉइंट टू सेवन अपॉन भीज अपलाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज 56 सिक्स रूट अंडर फिफ्ट सिक्स एंगस्ट्रम जिसे ए जीरो सिंबल से डिनोट किया जाता है अगर मीटर में एक्सप्रेस किया जाता है तो टेन टू पावर माइनस टेन मीटर नाउ इट इज वन टू पॉइंट टू सेवन और रूट फिफ्टी सिक्स अगर सिक्सटी फोर होता तो सीधे स्क्वायर रूट उसका एट हो जाता अब सिक्सटी फोर से कम है रूट अंडर फिफ्टी सिक्स है तो स्क्वायर रूट करने पर हम अब कर सकते हैं नियरली सेवन पॉइंट फाइव एट से कम होगा तो सेवन पॉइंट फाइव रूट फिफ्टी सिक्स का स्क्वायर रूट सेवन पॉइंट फाइव अब ट्वेल्व पॉइंट टू सेवन में सेवन पॉइंट फाइव से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन एक्षलेट और यह रिजल्ट होगा सेवन पॉइंट फाइव है ट्वेल्व पॉइंट टू सेवन है वन फर्स्ट में तो एक, एक बार ही जाएगा तो वन पॉइंट सिक्स से ज़्यादा आएगा वन पॉइंट सिक्स फोर नियरली इसका आंसर डिवाइड करने पर आफ्टर डिवाइडिंग ट्वेल्व पॉइंट टू सेवन बाई सेवन पॉइंट फाइव वी गेट वन पॉइंट वन पॉइंट मतलब नियरली वन पॉइंट सिक्स रिजल्ट फोर और एंगस्ट्रम में हमने एक्सप्रेस किया है एंगस्ट्रम मीटर में करना होगा तो वन पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन टू पावर माइनस टेन मीटर दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट इज द डिब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स लेमडा इजक्ल टू वन पॉइंट सिक्स फोर एंगस्ट्रम नाउ वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर एलेवन पॉइंट वन थ्री द प्रॉब्लम इज वाट इज द पार्ट ए मोमेंटम पार्ट बी अ स्पीड एंड सी दि ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ कैनेटिक एनर्जी ऑफ वन ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटेड है मोशन में है तो उसका पार्ट ए में लिनियर मोमेंटम पार्ट बी में स्पीड इलेक्ट्रॉन का और सी पार्ट सी में डिप्लोगली वेवलेंथ डिटरमाइन करना है और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वी वी आई वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ट्वेल्थ बोर्ड्स के सभी सभी ट्वेल्थ बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए और इसके अलावा सी बी एस ई नीट तथा जेई में भी इस ढंग के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं तो प्रॉब्लम वन पॉइंट वन ट्वेल्व एंड प्रॉब्लम वन पॉइंट वन थ्री इस वीडियो का काफी इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सी बी बोर्ड के लिए तथा तो जितने भी ट्वेल्थ क्लास के स्टेट्स बोर्ड हैं उन सभी के एग्जामिनेशन के लिए भी तो पार्ट ए में यहाँ इसमें इस प्रॉब्लम में, में केवल एक ही चीज़ दिया हुआ है काइनटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलेटेड इलेक्ट्रॉन विच इज 120 ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है उसे जूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो इट इज गिवन काइनटिक एनर्जी सिंबल कैपिटल ही यूज करते हैं कानेंटिक एनर्जी के लिए इज इक्ल टू इट इज गिवन इज इजकल टू वन ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज वन ट्वेंटी जूल में कन्वर्ट कर दिया जाए वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइन्टीन जूल सो इट इज वन ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस नाइनटीन जूल में आ गया ये अब यहाँ पर 120 और 1.6 तो 1.6 का मतलब 16 बाई टेन तो ये जीरो से न्यूटलाइज हो गया ये 1.7 का 1.6 का डिसमल तो अब बच गया 16 इंटू ट्वेल्व डेट इज 192 नाइन्टी टू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दावर माइनस नाइनटीन जू पार्टे में मालूम करना है व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो लीनियर मोमेंटम ऑफ़ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सिम्बल ऑफ मोमेंटम इज पी और मोमेंटम को कैंटिक एनर्जी से रिलेट किया जा सकता है बहुत ही सिंपल सा रिलेशन पी इजकल टू रूट अंडर टू एम ई और यह कैसे हुआ यह रिलेशन ऑप्टेन किया जा सकता है क्योंकि कायंटिक एनर्जी इज्कल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर और अगर नोमिनेटर तथा तो डिनोमिनेटर दिनु, में एम से मल्टीप्लाई किया जाए तो यह हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर भी स्क्वायर अपॉन एम और एम स्क्वायर वी स्क्वायर मुमें, मीन्स मोमेंटम का स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर स्मॉल पी स्क्वायर बाई टू एम तो कैंटिक एनर्जी ईजक्ल टू हो गया मोमेंटम के टर्म में हाफ एम बी स्क्वायर को पी स्क्वायर बाई टू एम फोर पी टू टू एम ई आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो पी इज कल टू पी स्क्वायर टू एम ई देर फॉर पी इज कल टू टू अस्मॉल एम इंटू कैप्टल ई रूट अंडर यह रिलेशन है किसके बीच लिनियर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का और कैनेटिक एनर्जी कैप्टल ई के बीच पी स्मॉल पी इज कल टू रूट अंडर टू एम टू स्मॉल एम इंटू ई कैप्टल इ स्मॉल एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन सो फॉर्मूला इज लिनियर फॉर्मूला फॉर लिनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल पी इज कल टू रूट अंडर टू एम ई अब यहाँ पर भाईलू पुट कर लिया जाए इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नाइन पॉइंट वन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस थर्टी वन के जी मल्टीप्लाइड बाई इनर्जी इज गिवेन वन ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन बोल्ट विच इज जूल इट इज वन नाइन्टी टू इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन टेन टू पावर माइनस थर्टी वन इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन स्क्वायर रूट के अंदर ये एड होकर के माइनस फिफ्टी हो जाएगा उसके बाद वन नाइन्टी टू नाइन पॉइंट वन इंटू टू डेट इज एटीन पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई वी कैन राइट इट फर्दर टू इंटू नाइन पॉइंट वन डैट इज एटीन पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई वन नाइनटी टू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस थर्टी वन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस नाइनटीन तो ये पावर जो कि बेस सेम है दोनों पावर दोनों का पावर निगेटिव है टेन का पावर तो माइनस थर्टी वन पावर एड हो जाएगा तो टेन टू पावर माइनस थर्टी वन माइनस नाइनटीन दैट इज टेन टू पावर माइनस फिफ्टी अब एटीन पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई वन नाइन्टी टू को मल्टीप्लाई करेंगे और टेन टू पावर टेन टू री पावर ये uh, इसे मल्टीप्लाई कर लिया जाए वन नाइन्टी टू में एटीन पॉइंट टू को वन नाइन्टी टू मल्टीप्लाइड बाई वन एट टू इज एटीन पॉइंट टू और इट इज टू इंटू टू फोर नाइन इंटू टू एट एटीन रिमाइंडर वन टू इंटू वन टू इंटू प्लस वन थ्री एट इंटू टू सिक्सटीन रिमाइंडर वन

एंड इट इज वन प्लेस पर स्मॉल था एटीन पॉइंट टू थ्री फोर नाइन फोर पॉइंट फोर सो वी कैन राइट इटैच अंडर अ स्क्वायर रूट पी इज कल टू लिनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन सिम्बॉल इज अ स्मॉल पी आफ्टर मल्टीप्लाइंग एट पॉइंट टू इंटू वन नाइनटी टू वी गेट थर्टी फोर नाइन फोर पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस फिफ्टी और माइनस फिफ्टी से अगर दो निगेटिव पावर टेन टू पावर माइनस टू अलग कर दिया जाए तो दो प्लेस तक यहाँ पर हम उसको सेट कर सकते हैं फर्स्ट टर में तो हो जाएगा थर्टी फोर पॉइंट नाइन फोर फोर डैट इज थर्टी फोर पॉइंट नाइन फोर डैट इज स्क्वायर रूट थर्टी फोर पॉइंट नाइन नाइन फोर फोर डैट इज ओनली वी कैन राइट थर्टी फोर पॉइंट नाइन आफ्टर राउंडिंग ऑफ मल्टीप्लाईड बाई टेन टू पावर कितना बचेगा माइनस फिफ्टी से माइनस टू पावर अलग किया गया था टेन टू पावर माइनस फोर्टी एट अब थर्टी रूट अंडर रूट अंडर थर्टी फोर पॉइंट नाइन अगर थर्टी सिक्स होता है ये तो सीधा इसका हो जाता है स्क्वायर रूट सिक्स हो जाता यहाँ थर्टी फोर पॉइंट रूट अंडर थर्टी फोर पॉइंट नाइन है तो सिक्स से थोड़ा कम होगा दैट इज फाइव पॉइंट नाइन डेट इज फाइव पॉइंट नाइन और टेन टू पावर माइनस फोटी फोर्टी एट का स्क्वायर रूट टेन टू पावर टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट है 10 टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर तो फाइव पॉइंट नाइन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर के यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ लिनियर मोमेंटम इज के जी मीटर पर सेकेंड दिस इज पी एचकल टू दैट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द रियल इज फाइव पॉइंट नाइन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पॉर माइनस ट्वेंटी फोर के जी मीटर पर सेकेंड तो ये पार्ट ए का तो सोल्यूशन हमने अपटेन कर लिया अब पार्ट बी के सोल्यूशन के लिए पार्ट बी में क्या करना है स्पीड तो स्पीड के लिए तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला एक होता है पीइकल टू यहाँ तो लीनियर मोमेंटम को एनर्जी के रूप में रिलेट किया गया था लेकिन लीनियर मोमेंटम का जो डिफ्रिशन से फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम इज कल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इन वेलोसिटी सो पी इज कल टू एम भी और चूँकि पी मालूम हो गया तो यहाँ पर स्पीड भी भी मालूम हो जाएगा यूजिंग द फॉर्मूला फॉर लिनियर मोमेंटम पार्ट बी का आंसर सोल्यूशन तो लिनियर मोमेंटम सिक्स यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ लिनियर मोमेंटम बीच इज पी इजकल टू स्मॉल पी इजकल टू मास इन टू वेलोसिटी स्मॉल एम इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड भी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एम मास इलेक्ट्रॉन का दरव्यमान है भी स्पीड है इलेक्ट्रॉन के चाल है देर मालूम करना है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इज कल टू पी एम और पी तो अभी हमने कैलकुलेट किया लिनियर मोमेंटम मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइव पॉइंट नाइन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू डी पावर माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू डी पावर माइनस थर्टी वन में टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर है डिनोनेटर में टेन टू पावर माइनस थर्टी वन है तो माइनस ट्वेंटी फोर से माइनस थर्टी वन का माइनस ट्वेंटी फोर पावर न्यूटलाइज हो गया तो बच कितना जाएगा डिनोमेटर में टेन टू पावर माइनस सेवन एंड इट इज़ फाइव पॉइंट नाइन बाई नाइन पॉइंट वन इज फिफ्टी नाइन अपॉन फिफ्टी नाइन अपॉन नाइन्टी वन डैट इज़ फिफ्टी नाइन अपॉन नाइन्टी वन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस सेवन ऊपर जाके टेन टू पावर प्लस सेवन और अगर टेन टू पावर सेवन से टेन अलग कर दिया जाए जो कि टेन पावर सेवन को लिखा जा सकता है टेन टू पावर सिक्स इंटू टेन और फिफ्टी नाइन से मल्टीप्लाई टेन को कर दिया जाए तो ये हो जाएगा फाइव नाइन्टी अपॉन नाइन्टी वन मल्टीप्लाईड बाई टेन टू दी पावर सिक्स तो अब फाइव नाइन्टी अपॉन नाइन्टी वन अब नाइन्टी वन से फाइव नाइन्टी में डिवाइड कर दिया जाए तो यह वैल्यू सिक्स से थोड़ा ज़्यादा सिक्स पॉइंट फाइव into 10 to the power 6 meter per second nearly 6.5 into 10 to the power 6 meter per second this is the answer that is the speed of the electron v is equal to 6.5 into 10 to the power 6 meter per second this is the uh, solution of part b of this problem 11.13 ncrt text problem now in last we have to solve part c uh, of this problem विच इज डिब्रोगली वेभलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ कैनेटिक एनर्जी ऑफ वन ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन भोल डिबोगली वेभलेंथ मालूम करना है लेमडा मालूम करना है तो लेमडा डिब्रोगली रिलेशन का यहाँ यूज किया जाएगा लेमडा इजकल टू डिब्रोगली वेभलेंथ रिलेट करता है सॉरी डिब्रोगली रिलेशन रिलेट करता है डिब्रोगली वेभलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बीच लिनियर मोमेंटम और डिब्रोगली वेभलेंथ लेमडा के बीच का रिलेशन डिब्रोगली फॉर्मूला है विच इज लेमडा इजकल टू एच वाई एच वाई एम भी और एच वाई पी सिम्बॉल में मोमेंटम इज कल टू पी स्मॉल पी इजकल टू मास इंटू वेलोसिटी सो वी हैव टू सॉल्व पार्ट सी ऑफ दिस प्रॉब्लम यूजिंग डिप्रोगरी रिलेशन लिमडा इजकल टू एच वाई पी चूँकि पी हमने मालूम कर लिया है और प्लान कॉन्स्टेंट का वैल्यू हम जानते हैं सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड सो सोल्यूशन ऑफ पार्ट सी इज यूजिंग डिब्रोग्लीसन लेमडा डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लेमडा इजकल टू एच वाई पी और डिब्रोगली वेवलेंथ मालूम भी करना है सी डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सलेटेड विथ कारंटिक एनर्जी विद ऑफ वन ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लेमडा इजकल टू एच वाई पी डिबोगली फॉर्मुला एच इजल टू सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर एंड लिनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि पार्ट वन में ही हमने पार्टी में ही हम लोगों ने ऑप्टेंट किया था विच इज फाइव पॉइंट नाइन इं टू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर के जी मीटर पर सेकेंड नियरली इक्वल टू सिक्स विच इज नियरली इक्वल टू सिक्स विच इज लिनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फाइव पॉइंट नाइन इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर फ्रॉम पार्टी ऑफ दिस प्रॉब्लम माइनस ट्वेंटी फोर माइनस थर्टी फोर डैट इज माइनस टेन कैंसिलेशन के बाद कितना होगा माइनस टेन इट इज माइनस टेन सो निमरेटर में कितना सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री अपॉन फाइव नाइन तो नाउ इट कैन बी रिटर्न एज सिक्स सिक्स थ्री अपॉन फाइव सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री अपॉन फाइव पॉइंट नाइन को लिखा जा सकता है सिक्स सिक्स थ्री अपॉन फाइव नाइन्टी डिसमल को uh, हटाने के बाद और यहाँ टेन टू पावर माइनस टेन बेबलेंथ है यूनिट इसका क्या होगा मीटर में होगा ना वो फाइव नाइन्टी अपॉन सिक्स सिक्स थ्री डैट इज वन से थोड़ा ज़्यादा सो इट इज आफ्टर डिवाइडिंग सिक्स सिक्स थ्री बाई फाइव नाइन्टी वी कैन ऑफ द रिजल्ट विच इज वन पॉइंट वन टू वन पॉइंट वन टू दिस इज वन पॉइंट वन टू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर दैट इज वन पॉइंट वन टू वन भी हो सकता है लेकिन दिसमल के दो प्लेस तक लिखा गया तो वन पॉइंट वन टू इन टेन टू पावर माइनस टेन मीटर दैट इज वन पॉइंट वन टू एंगस्टम एंगस्टम इज द वन एंगस्टम इज दावर माइनस टेन मीटर सो वेभलेंथ इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंगस्टम सो लेमडा इज कल टू ऑफ द 1.12 पॉइंट वन टू इंटू टेन टू पावर माइनस टेन मीटर विच इज वन पॉइंट वन टू एंगस्ट्रम दिस इज द सोल्यूशन ऑफ पार्ट सी ऑफ दिस प्रॉब्लम अब हम लोगों को इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो प्रॉब्लम 11.14 है इन लास्ट वी हैव टू सॉल्व द एन सी आर टी टेक्स प्रॉब्लम इलेवन पॉइंट फोर्टीन फॉर क्लास ट्वेल्व फिजिक्स चैप्टर 11 डुएल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर The problem is the wavelength of light from the spectral emission line of sodium is 589 nanometer. Find the kinetic energy at which an electron part A, an electron part a, and in part B, and a neutron would have the same de Broglie wavelength. So, electron or न्यूट्रॉन दोनों के लिए डिब्रोग्लिन वेबलेंथ यहाँ सोडियम जो वाइपर लैम्प का यूज किया गया है सोडियम लाइट का जो वेबलेंथ हिमिट करता है कितने वेबलेंथ का फाइव एट नाइन नाइनो का तो यह वेबलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए दोनों के लिए सेम रखना है तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का तो अभी हमने अभी हमने इसका फॉर्मूला यूज किया काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस किया जा सकता है और वेवलेंथ के टर्म के रूप में मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हमने देखा पी एचकल टू टूटर टू एम ई अब इसी फार्मूला के हेल्प से हम डिब्रोगली वेवलन के लिए भी फॉर्मूला लेमडा डिब्रोगली रिलेशन से लेमडा इज कल टू एच वाई पी और पी के जगह रूट अंडर टू में रिप्लेस कर सकते हैं और उसके बाद एनर्जी के लिए एनर्जी ऑप्टेन कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का और फिर न्यूट्रॉन का तो वी हैव लेमडा दिया है इस प्रॉब्लम में इट इज गिवेन सोडियम लाइट वाइपर लाइट का यूज किया गया है सोडियम लैम्प का यूज किया गया है तो उसका जो बेवन जो स्पेक्ट्रल लाइन का इमिट करता है स्पेक्ट्रल लाइन का जो इमिशन होगा सोडियम वाइपर लैम्प से तो उसका वेवलेंथ कितना होता है फाइव एट नाइन नाइनोमीटर वैसे फाइव एट नाइन जीरो एंगस्ट्रम के रूप में भी उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है तो टेन टू पावर माइनस टेन मीटर हो जाएगा तो सोडियम लाइट का जो सोडियम वाइपर लाइट या सोडियम लैम्प का यूज किया जाता है तो उससे वेभलन इमिशन वेवलेंथ का इमिशन होता है तो उसमें दो रेडिएशन फाइव एट नाइन जीरो एंगस्ट्रम का और फाइव एट नाइन सिक्स एंगस्ट्रम का फाइव एट नाइन सिक्स एंगस्ट्रम को डी वन लाइन कहा जाता है और डी लाइन का वेवलेंथ और फाइव एट नाइन जीरो एगस्ट्रम को डी टू लाइन सोडियम का सोडियम फाइपर लैम्प का वो वेवलेंथ कहा जाता है तो एवरेज वैल्यू उसका दोनों का वेवलेंथ का फाइव एट नाइन जीरो एंगस्ट्रम प्लस फाइव एट नाइन सिक्स एंगस्ट्रम का एवरेज फाइव एट नाइन थ्री एंगस्ट्रम तो नियरली फाइव एट नाइन जीरो एगस्ट्रम इसक हम सपोज कर सकते हैं लेकिन दो लाइन इमिट होता है उसमें डी लाइन जिसको डी लाइन्स कहा जाता है डी वन एंड डी टू लाइन्स सोडियम फाइपर लैम्प से सोडियम लैंप से जो इमिशन होता है लाइट का उसका वेवलंथ की बात हुई तो यहाँ इज गिवेंथ सोडियम लाइट के लिए कितना है फाइव एट नाइन नाइनो मीटर में है डैट इज फाइव एट नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर और यह वेवलेंथ दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए डिब्रोगली वेवलेंथ और न्यूट्रॉन uh, के लिए यह वेवलेंथ सेम रखना है क्योंकि प्रॉब्लम में है एन इलेक्ट्रॉन पार्ट ए में और बी में एन ए न्यूट्रॉन वुड हैव द सेम डिब्रोगली वेवलेंथ ये जो वेवलेंथ का इमिशन है स्पेक्ट्रल लाइन का तो इसका वेवलेंथ ये दोनों लेमडा का वैल्यू इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए सेम करना है पार्ट ए में हमें इलेक्ट्रॉन के लिए करना है तो डिब्रोगली फाइंड द कांटिक एनर्जी ऑप्टेन करना है तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिलेशन हम डिब्रोगली फार्मूला का यूज करके कांटिक uh, एनर्जी के लिए रिलेशन ऑप्टेन कर सकते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन डिब्रोग्ली रिलेशन इज लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी पी फॉर इलेक्ट्रॉन दैट इज एच अपॉन पी इज इक्वल टू रूट अंडर टू एम इन ई एम इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैपिटल ई या ई e, सफिक्स में ई e, यहाँ भी लिखा जा सकता है तो लेंडा इजकल टू एन इलेक्ट्रॉन डिब्रग्लिवेंस लेमडाइज टू एच अपॉन रूट अंडर टू एम ई एच अपन पी ई विच इ लिनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज रूट अंडर टू एम ई ना वी हैव स्क्वायरिंग दिस फॉर्मला स्क्वायरिंग बोर्ड साइड्स वी हैव हमें uh, चूंकि इनर्जी के लिए मालूम करना है तो स्क्वाइंग बोर्ड साइड वी गेट ई इजकल टू रूट अंडर टू एम ई इन ई का स्क्वायर करेंगे तो केवल टू एम e ई आएगा ई e को डिनोमीटर में ले जाते हैं तो एच स्क्वायर अपॉन दोनों साइड को स्क्वायर करने के बाद एच स्क्वायर अपॉन टू एम ई मल्टीप्लाइड बाई लेमडा स्क्वायर रिलेशन फॉर कैंटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिकज कैपिटल ई सफिक्स में ई e लगाया जा सकता है स्मॉल इलेक्ट्रॉन e, के लिए इट इज एच स्क्वायर अपॉन टू एम ई इंटू लेमडा स्क्वायर एच का वैल्यू रख दिया जाए प्लैंग कॉन्स्टेंट सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दी पावर माइनस थर्टी फोर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दी माइनस थर्टी वन के जी Bevelinth, Bevelinth दिया हुआ है लेमडा इज टू फाइव एट नाइन इंटू टेन टू पावर नाइनोमीटर दैट इज फाइव एट नाइन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दावर माइनस नाइन लेमडा स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करना होगा अब यहाँ न्यूमरेटर में सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री का होल स्क्वायर है डट इज सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इज सिक्स सिक्स थ्री मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस फोर दो प्लेस पर स्मल था तो सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इज सिक्स सिक्स थ्री इंटू टेन टू पावर सिक्स सिक्स थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस टू इंटू सिक्स सिक्स थ्री इंटू टेन टू पॉर माइनस टू तो इसका डिडिसनल दो प्लेस पर था तो कहने का मतलब टेन टू सी इसे लिखा जा सकता है सिक्स सिक्स थ्री का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस फोर माइनस टू का स्क्वायर सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री दैट इज टेन टू पावर माइनस टू का स्क्वायर दो टर्म है तो सिक्स सिक्स थ्री स्क्वायर इंटू टेन टू पावर माइनस फोर इंटू टेन टू पॉवर माइनस थर्टी फोर का स्क्वायर है तो टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर इन टू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर दटी टेन टू पॉवर माइनस सिक्स एट डिवाइड बाई टू पॉइंट नाइन वन दैट इज एटीन पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव एट नाइन इं टू टेन टू पावर माइनस नाइन का स्क्वायर तो फाइव एट नाइन का होल स्क्वायर अलग कर दिया जाए और टेन टू पावर माइनस नाइन माइनस नाइन का माइनस नाइन का होल स्क्वायर नर्टी टेन टू पावर माइनस नाइन इं टू टेन टू पावर माइनस नाइन टेन टू पावर माइनस एटीन अब पावर यहाँ डिनोमिनेटर में पावर का कैंसिलेशन पहले कराया लिया जाए न्यूमरेटर में टेन टू पावर माइनस सिक्सटी एट यहाँ टेन टू पावर माइनस एटीन डिनोमिनेटर में ये पावर कैंसिल होकर के न्यूमिनेटर में टेन टू पावर माइनस फिफ्टी माइनस फिफ्टी बचेगा माइनस सिक्सटी एट से टेन टू पावर माइनस एटीन पावर टेन टू पावर एटीन से कैंसिल होकर के ऊपर में टेन टू पावर माइनस फिफ्टी फिफ्टी एंड एटीन ऐड होकर के सिक्सटी एट हो जाएगा और यहाँ फिफ्टी माइनस फिफ्टी है और यहाँ पर टेन टू पावर यहाँ पर टेन टू टू पावर टेन टू पावर माइनस फोर भी है और टेन टू पावर माइनस थ्री है तो ये पावर कैंसिल होकर के नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू पावर सॉरी टेन टू पावर माइनस थर्टी वन है यहाँ थर्टी वन पावर है तो थर्टी वन पावर से भी टेन टू पावर माइनस फोर पावर कैंसिल होकर के टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन डिनोमिनेटर में और टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन से टेन टू टेन टू पावर फिफ्टी अब बचा है न्यूमिनेटर में वो भी कैंसिल हो जाएगा तो पावर कितना बचेगा टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन से टेन टू पावर माइनस फिफ्टी का माइनस ट्वेंटी सेवन पावर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना टेन टू पावर टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी थ्री तो ये अब कैंसिल होकर के टेन टू पावर बगल में लिख देता है टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी थ्री नीचे टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन से टेन टू पावर माइनस फिफ्टी कैंसिल होकर के कितना बचा टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी थ्री तो अब हमारा रिजल्ट हुआ अब हम लिख इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अब सिक्स सिक्स थ्री में सिक्स थ्री से सिक्स थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई किया जाए सिक्स सिक्स थ्री सिक्स सिक्स थ्री थ्री इंटू थ्री नाइन सिक्स इंटू थ्री एटीन रिमाइंडर वन सिक्स इंटू थ्री सिक्स इंटू थ्री एटीन प्लस वन नाइनटीन सिक्स इंटू थ्री एटीन रिमाइंडर वन सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सेवन थर्टी सिक्स प्लस वन थर्टी सेवन रिमाइंडर थ्री सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स प्लस थ्री थर्टी नाइन सिक्स इंटू थ्री एटीन

रिमाइंडर वन थ्री प्लस वन फोर फोर थ्री नाइन फाइव सिक्स नाइन नीचे आ गया फोर थ्री नाइन फाइव सिक्स नाइन और नीचे डोमीटर में एटीन पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई और उसी ढंग से फाइव एट नाइन में फाइव एट नाइन का कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन तो फाइव एट नाइन स्क्वायर से फाइव एट नाइन स्क्वायर है तो फाइव एट नाइन मल्टीप्लाइड बाई फाइव एट नाइन तो उसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस प्रकार हमें रिजल्ट और हो जाएगा तो फाइव एट नाइन

प्लस फाइव सेवनटीन रिमाइंडर वन नाइन प्लस फोर थर्टीन प्लस 1, 15, रिमेंडर वन फिफ्टीन रिमाइंडर वन टू प्लस वन थ्री थ्री फाइव सेवन नाइन वन वनो डिनोमिनेटर में हो गया थ्री फाइव सेवन नाइन वन वन ये फाइव एटीन फाइव एटीन नाइन का स्क्वायर हो गया और नीचे में तो कोई टर्म निगेटिव का है नहीं ऊपर में टेन टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टेन टू री पावर कितना न्यूमरेटर में बचा है टेन टू री पावर माइनस ट्वेंटी थ्री अब इस प्रकार न्यूमरेटर में फाइव फोर थ्री नाइन फाइव सिक्स नाइन डिवाइडेड बाई थ्री फाइव सेवन नाइन वन वन मल्टीप्लाइड बाई एटीन पॉइंट टू है ये टर्म और टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी थ्री तो अब डिनोमिनेटर अभी से कैलकुलेट करने के बाद हम रिजल्ट ऑप्टेन कर सकते हैं इसमें तो ये हम लोग रिजल्ट ऑप्टेन कर सकते हैं यह नियरली सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फाइव मैंने फाइनल रिजल्ट सिक्स पॉइंट नाइन फाइव नियरली सेवन मतलब सिक्स पॉइंट नाइन फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो है ही और और कैलकू कल्कुर, फर्दर कैलकुलेशन के बाद तो सिक्स पॉइंट नाइन फाइव दो प्लेस तक तो और इसमल सेट करने के बाद सिक्स पॉइंट नाइन फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फाइव और ये जूल इतना आंसर इसका ऑप्टेन किया जा सकता है आफ्टर डिवीज़न तो ये पार्टी का आंसर है डैट इज ई मतलब कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल ई Capital E is the symbol of uh, kinetic energy, and the small e for electron. Kinetic energy of electron is six point nine five. We get six point nine five multiplied by ten to the power minus twenty five joules. Now uh, we have to solve it's part B. Part B, we have to find uh, kinetic energy of the neutron. Have the same de Broglie wavelength, which is given 9 nanometer. So for a neutron, we can write. पार्ट बी फॉर ए न्यूट्रॉन वी हैव डिबोग्ली वेबलन थी लेमडा इजकल टू एच वाई पी एंड न्यूट्रॉन के लिए जो लिनियर मोमेंटम होगा पी इजकल टू स्मॉल पी इजकल टू टू स्मॉल एम सफिक्स मैन विच इज मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ई कैपिटल ई सफिक्स मैन दिया जा सकता है विच इज़ द कांटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन ई एन Now squaring both sides, we can obtain, we have to obtain E n that is kinetic energy of electron. Squaring on both sides, we can obtain E n is equal to uh, E n is equal to E n को numerator में कर लेंगे, square करने के बाद हो जाएगा नीचे, root समाप्त हो जाएगा, हट जाएगा, तो 2 m n E n तो E n ऊपर कर लेते हैं, और क्योंकि square करना है, तो h square upon 2 m n m n is the mass of neutron multiplied by और relationship में lambda है, तो lambda square square करने पर और lambda तो क्योंकि denominator में आ जाएगा स्क्वायर एच का वैलू मालूम है प्लैंक uh, कॉन्स्टेंट हम जानते हैं सिक्स पॉइंट प्लान कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ प्लान कॉन्स्टेंटेज सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू पावर सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू पावर माइनस थर्टी फोर जून सेकेंड यूनिट प्लैंक प्लान कॉन्स्टेंटेज तो सिक्स पॉइंट एच स्क्र इज इन इज गल टू दैट इज कैनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एन इज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन और इसके लिए व्यवहलन तो यूज़ करना है जो दिया है प्रॉब्लम में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए फाइव एट नाइन नैनोमीटर तो एच स्क्वायर दैट इज सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर स्क्वायर अपॉन टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटोन के ही नियरली इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटोन से थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन डिसमल के दो प्लेस तक वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी जो कि मास ऑफ प्रोटोन के इक्वल होता है डिसमल के दो प्लेस तक लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास के नियरली इक्वल होता है थोड़ा स्लाइटली ग्रेटर होता है लेकिन डिसमल के दो प्लेस तक सेम ही होता है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज वन पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू री पावर माइनस ट्वेंटी सेवन जो कि इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है और प्रोटोन के मास के नियरली इक्वल है यहाँ दोनों भाई को डिसमल के दो प्लेस तक दोनों का वैल्यू सेम रखा गया है मास ऑफ प्रोटोन का इक्वल मास ऑफ न्यूट्रॉन का एंड लेमडा इज गिवेन इन द प्रॉब्लम विच इज सेम फॉर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन फाइव एट नाइन नाइनोमीटर दैट इज फाइव एट नाइन इंटू टेन टू री पावर माइनस नाइन का स्क्वायर और यहाँ भी फिर अब थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ करना होगा फर्दर तो हम अपटेन कर सकते हैं जैसा कि अपटेन किया गया इलेक्ट्रॉन के लिए कैरेंटिक एनर्जी दिस कैन बी है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री का स्क्वायर नाइनटीन सिक्स सिक्स थ्री का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई टेन टू डी पावर माइनस फोर सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री दो प्लेस परिस्मल है माइन टू इंटू माइनस टू सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस फोर सिक्स सिक्स थ्री स्क्वायर इंटू टेन टू पावर माइनस फोर At 10 to the power minus 34 square at 10 to the power minus 68 divided by 2 into 1.67 uh, uh, 2 into 1.67 it is uh, 7 into 2 4 uh, remainder 1 6 into 2 12 plus 1 13 remainder 1 2 into 1 2 plus 1 3.34 after multiplying 1.67 by uh, uh, after multiplying 1.67 by 2 it is 3.34 multiplied by 10 to the power minus 27 mass of neutron is वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन के जी फाइव एट नाइन स्क्वायर इंटू जिसे मल्टीप्लीकेशन पार्टी में हमने किया था उसी वैल्यू को रखने पर फाइव एट नाइन स्क्वायर का वही वैल्यू पुट कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस नाइन स्क्र डेट इज टेन टू पावर माइनस नाइन इंटू टेन टू पावर माइनस नाइन टेन टू पावर माइनस एटीन टेन टू पावर माइनस एटीन और नोमिनटर में टेन टू पावर माइनस सिक्सटी एट कैंसिल होकर कितना बचे टेन टू पावर माइनस फिफ्टी और माइनस फिफ्टी और यहाँ माइनस फोर भी है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री स्क्वायर इंटू टेन टू पावर माइनस फोर तो माइनस फिफ्टी फोर नीचे में पावर बचा है माइनस ट्वेंटी फोर तो ये दोनों पावर मिलकर के माइनस फोर माइनस फिफ्टी माइनस ट्वेंटी फोर नीचे माइनस ट्वेंटी फोर तो कितना बच जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन में भी तो वी हैव नाउ सिक्स सिक्स थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट थ्री फोर वी हैव सिक्स सिक्स थ्री स्क्वायर जिसका वैल्यू हमने पार्टी में कैलकुलेट किया था मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू को पुट करेंगे अपॉन थ्री पॉइंट थ्री फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन ट्वीट पावर न्यूमिनेटर में पावर कितना बचा ओवरऑल और फुल मिला करके टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाइड वाई डिनोमीटर में टर्म फाइव एट नाइन का स्क्वायर जिसे हमने मल्टीप्लाई भी किया था तो उस वैल्यू को रखना है फाइव एट नाइन स्क्वायर का वैल्यू और सिक्स सिक्स थ्री स्क्वायर का वैल्यू और डिनोमिनेटर में फिर फाइव एट नाइन स्क्वायर का वैल्यू पुट करके थ्री पॉइंट थ्री फोर से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना होगा न्यूमिनेट सिक्स सिक्स थ्री स्क्वायर में डिनोमिनेटर के टर्म से तो हम लोग रिजल्ट ऑफ्टेन कर सकते हैं माई एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विच में वी ऑफ एज Nearly 3.8 into 10 to the power minus 28 overall, minus 27 hai hai, calculation ke bar, minus 28. So 3.79 into 10 to the power minus 28 joule, which is 3.8 into nearly 3.8 into 10 to the power minus 28 joule. That is the result is 3.79. We can obtain. After division, 3.79 multiplied by 10 to the power minus 25. That is nearly 3.79. We can write it as 3.8 multiplied by 10 to the power minus 25 and uh, it is energy in terms of joule which is J that is kinetic energy of neutron which is capital E suffix main has En. This is the kinetic energy of neutron 3.8 En is equal to 3.8 into 10 to the power minus 25 joule. This is the answer of this problem part B of uh, the problem 11.14. Now this video is completed. Thank you very much.